दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मलियम मोड से जो रूट जो आ रहा है हम लोग उस पर आ चुके हैं। डीसीएस के कॉलेज ये है, डीसीएस के कॉलेज जस्ट बैक में है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये है आपका डीसीएस के कॉलेज और आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु जो है निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों से हम लोग जा रहे हैं अभी बस स्टैंड। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे उधर, रामलीला मैदान है वहाँ पर, छोटा सा वहाँ पर रामलीला भी होता है। चलिए दोस्तों बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि रामलीला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारे साथ बच्चा, एक लड़का मूछ वाला है दोस्तों, ये देखिए आगे जा रहा है, एक लड़का मूछ वाला है वो आगे जा रहा है। अभी ये कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहा है बट बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों बहुत, यहाँ देखिए फूल वाला मार्केट लगा भी हुआ है और आप सुन भी रहे हैं कि यहाँ पे मतलब गाना वगैरह भी बजता रह रहा है। ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ वाले रुको। देखिए दोस्तों ये दोनों मोच वाले हैं, एक तो मोच वाला नहीं है लेकिन एक मोच वाला है, बहुत अच्छा। अभी मेला में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों और जैसा कि आप आगे देख रहे हैं बहुत अच्छा मंजिल सजा हुआ है और ये देखिए झूला भी चल रहा है। अभी हम लोग शाम को पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ तो अभी हट चुकी है लेकिन भीड़ लगी हुई है दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। आवाज के द्वारा आवाज के समय इस रंगमंच के द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं झांकी कार्यक्रम। झांकी कार्यक्रम भोलेनाथ भोलेनाथ की झांकी आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हम इस रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो झांकी कार्यक्रम से आनंद लेते हैं और आनंद उठाते रहे। झांकी के बाद फिर कुछ क्षणों के लिए रंगारंग कार्यक्रम, उसके उपरांत लीले का कार्यक्रम आप लोगों के साथ श्री भगवती नाटकला परिषद रामलीला मंडल के डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर चार कंपनी द्वारा सुन के पृथ्वीवासी।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को देखिए, बच्चों के लिए काफ़ी खिलौने का सामान है, खेलने का सामान है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़ें लगी हुई है बच्चों के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चरखी भी लगी हुई है। ये भाई साहब अब मुझे लग रहा है कि बात करते नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते काफ़ी लोग जो है और काफ़ी देख रहे हैं बच्चे कितना अच्छा से मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है दो बच्चे ऐसे हैं, ये लोग भी घूमना चाह रहे हैं, ये लोग भी चढ़ना चाह रहे हैं। देखिए ये भी इतना लगा हुआ है जी, हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं देख सकते हैं। ये देखिए दो बच्चे हैं, बच्चों की तरह काफ़ी बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए ये बच्चों का शिफ्ट ख़त्म हो गया, हमारे साथ ये भी बच्चा है। आदर्श, आदर्श जाओगे तो झूला झूलोगे। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि झूला झूलेगा, लेकिन ठीक है। अब देखिए ये बच्चे हैं लेकिन एडल्ट स्टेज में हैं और ये लोग झूला झूलने के लिए तैयार हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आराम से। लेकिन मेरे साथ एक लड़का मूंछ वाला भी है, देखिए दोस्तों ये मूंछ वाला काफ़ी फेमस है और ये भी झूलने के लिए तैयार है। ये बोल रहा है आदर्श, इसको बोल रहा है कि मत झूलो। अनिक झूला झूलेगा, ये नहीं झूलने के लिए बोल रहा है, बोला चलो। ठीक है दोस्तों धन्यवाद। ये देखिए एक लड़का है जो मैं बोल रहा था ना कि खाएगा घूमेगा, अंशुल फुल्की वाला सेंटर पर आ चुका है। काफ़ी लोग जो है फुल्की ले रहे हैं, फुल्की का मज़ा ले रहे हैं। और आदर्श कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे मिस्टर, दोस्तों ये सभी आप देख सकते हैं बच्चे जो है इसमें मज़ा ले रहे हैं। बस दो चार पांच बच्चे हैं। ये देखिए ये भी एक झूला है। सभी सर लोग आ चुके हैं, देखिए सभी सर लोग आपके जो भी टीचर्स लोग हैं ये भी यहाँ आ चुके हैं आज मेला का आनंद लेने के लिए। एक हमारे दद्दू जी विद्यार्थी सर हैं। आप लोगों को मिला जाएगा फिर। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग हिंदी भवन की तरफ। और आप देख सकते हैं काफ़ी वहाँ पे पुलिस भी लगी थी, काफ़ी लोगों को कंट्रोल भी कर रही थी। ये देखिए काफ़ी आप हमारे पीछे ले सकते हैं, काफ़ी वो लोग हैं जो मेला देखने वाले हैं और जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे देखो उधर नहीं। देखिए दोस्तों फिर मिलते हैं आगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बिना मूंछ वाला आगे गया, ये लड़का जो आदर्श है बिना मूंछ वाला आगे गया, लेकिन मूंछ वाला अभी पीछे खड़ा हुआ है। देखिए ये भी आगे जाएगा, मूंछ वाला आगे, चलो मूंछ वाला आगे जाओ। देखिए मूंछ वाला आगे जा रहा है, ये है मूंछ वाला। और दोस्तों देखिए कितना अच्छा झांकी सजा हुआ है। ये प्रांगण में आपको बता दूं हिंदी भवन के पास का है। और मैं आपको आज ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। काफ़ी श्रद्धालु जो है आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लाइटिंग सजा भी हुआ है। ये देखिए प्रशासन लगा हुआ है,
और यहाँ पे चूंकि जब तक लाइन नहीं लगेगी आदमी लोग नहीं प्रवेश कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ब्लॉगिंग हो रही है और टैग भी बन रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ये देखिए मोच वाला जो लड़का है ना दोस्तों, ये देखिए एकदम स्टार बन के खड़ा हुआ है, देख सकते हैं इसकी मोच। नमस्कार, ठीक है, आ गए हम लोग भी। हाँ ब्लॉग चैनल चलता है, ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग क्रॉसिंग पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं मुझे लगता है आवश्यकता से अधिक मात्रा में भीड़ है यहाँ पे। आप एक बार देखिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में पूरा भीड़ लगा हुआ है। और ये देखिए ये हनुमान मंदिर है और ये आपका चला जाएगा बीटी की तरफ। ये देखिए ये लोग आने वाले हैं और इधर से लोग हैं जाने वाले। देख सकते हैं दोस्तों काफी भीड़ से भरा हुआ आज मऊ जिला, मऊ की ये गली। आप देख सकते हैं हम लोग मुस्लिम इंटर कॉलेज के आगे चल रहे हैं और काफी बहुत अच्छा ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु इस मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये देखिए ये ब्रांडेड घड़ी खरीदने गया था लड़का, देखिए ये मोच नहीं है लेकिन मोच हट रहा है, मोच वाला आगे चल रहा है बिना मोच वाला पीछे चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आज भ्रमण करवा रहा हूँ मऊ ज़िले का दोस्तों, लेकिन एक चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा लगता है मऊ ज़िले का जो भी नज़ारा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एकदम